आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे बच्चे के वास्ते आपसे मदद करो। हमारे पास अब कुछ पैसे हैं, 8 लाख रुपए और भी चाहिए। हम किसी से कभी मदद नहीं पूछे, मेरे बच्चे की जान बचाने के वास्ते आज मैं पूछ रही हूँ। प्लीज मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आप सब मदद कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम मोहम्मद जैद है, तकरीबन उनकी उम्र 4 साल है, एक छोटा सा बच्चा है। उसको इस तरीके की कि कुछ बीमारी आ गई है, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने कहा है कि उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। यानी कि उनका जो मतलब जो अंदर जो बीमारी होती है या गुद की बीमारी होती है, उसको ट्रांसप्लांट करना है। और वो ट्रांसप्लांट करने के लिए उन्हीं के छोटे भाई, यानी कि 2.5 साल के एक छोटे भाई हैं, उनका बोन मैरो जो है इनको ट्रांसप्लांट करना है। उसकी रकम तकरीबन डॉक्टरों ने बताई है 21,70,000 रुपये। हम आपको स्क्रीन में वो ये एस्टिमेट दिखा देंगे, एस्टर हॉस्पिटल का है। उन्होंने 21,70,000 रुपये का उन्होंने कहा है कि इतना खर्च इसमें आएगा। तो इनके पास फिलहाल जो है 8 लाख रुपया, कहीं कहीं से कई सारे भाई जो है मदद कर 8 लाख रुपये इनके पास अरेंज होके हैं। तो बाकी की रकम ये जो है, ये इन्हीं की ज़ुबान से कहेंगे कि बाकी की रकम जो है आप लोग जो देख रहे हैं, या तो इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि जो भी साहेब हैसियत है वो लोग इनकी आगे बढ़कर मदद करें और वो बच्चे की जान बचाएं। तो चलिए, उनके माँ हमारे साथ है, मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ, डॉक्टरों ने क्या कहा है इसके बारे में? सर, वो जब 1 साल 2 महीने का था, बहुत सफ़ेद हो गया था। हम हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने अनीमिया बोल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए थे 2 बार। फिर भी जैसे जैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं, दोबारा ब्लड HB इसका बहुत कम हो जाता था। जैसे कि आज 11 रहे तो कल 8, परसों 5 ऐसा हो रहा था। फिर हम बोरिंग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो उन्होंने सेंट जॉन्स को रेफ़र किए हमें हेमाटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए। तो वहाँ पे बच्चे का बीमारी वहाँ पता लगा, यवान सिंड्रोम कह के। तकरीबन 2 साल तक वहाँ स्टीराइड्स पे रहा था बच्चा, फिर भी उसमें कुछ असर नहीं किया। तो आखिर एक जेनेटिक टेस्ट करके फाइनलाइज़ किया कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको SID बोलते हैं, सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़ बोल के। तो इसका फाइनल इलाज सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो डॉक्टरों ने ये सब कहा? हाँ सर। तो अभी आप जो आस्टर हॉस्पिटल गए हैं, हाँ, तो वहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा? वही भी यही केस बोले हैं सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है। और डोनर, इसके लिए डोनर को ढूंढे तो मेरा छोटा लड़का है मोहम्मद साद बोल के, 2.5 साल का, और उसका हाफ मैच हुआ है। और इसके लिए एस्टिमेशन 21,70,000 का बताया सर। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? मेरे ये अपील है कि आप लोग मेरे बच्चे के ऑपरेशन के लिए, हमारे पास अब तक 8 लाख रुपये जमा हुए हैं, बाकी अमाउंट के लिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब डोनेट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए, सर्जरी के लिए सहूलत करें। अगर कोई आपको डोनर देना चाहता है, हाँ, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर होगा या तो आपका कोई गूगल पे नंबर होगा, इसको आप बता दीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई सारे लोगों को डाउट होता है, हाँ, कि ये सही डोनर है या सही आदमी तक पैसा पहुंच रहा है या नहीं, इसके बारे में कई सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है, तो उसके बारे में बता दीजिए। हमारा नंबर, फ़ोन नंबर है 9741751743। ये मेरा नंबर है, मैं जायजेद की माँ हूँ। और मेरे हस्बैंड का नंबर है 7996827119। अगर कोई आकर आपसे मिलकर भी कोई देना चाहे तो आकर दे सकते हैं। हाँ, आपका गूगल पे या कोई फोन पे नंबर है तो वो भी बता दीजिए। वही है सर, अभी ये जो अभी बोली ना, वही है सर। तो जैसे कि आपने सुना, इनके जो नंबर्स हैं, आप उन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर उनके पास विजिट कर भी आप कोई डोनेट करना चाहते हैं,
आप वहाँ पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन पे या गूगल पे ही करना, आपको अगर इंक्वायरी ज़्यादा चाहिए तो मैं ये आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ एक बार। आप बैक स्क्रीन में भी ये जो ये एस्टिमेशन है, ये बैक स्क्रीन में भी आपको दिखाई दे रहा है कि एस्टिमेशन कितने का है और कहाँ का है, ये सारा चीज़ इस एस्टिमेशन में आ जाता है। तो अभी मैं वो बच्चों को भी आपको दिखाता हूँ, ये जो दो बच्चे हैं तो मैं जिसकी बात कर रहा था अभी, वो बच्चे मेरे साथ हैं। इनका नाम है मोहम्मद जैद, जिसको ये जो बीमारी आई है यही वो बच्चा है जिसको तकरीबन 21,70,000 रुपये का खर्च बताया गया है। और ये जो मोहम्मद साद जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये बच्चा, इनका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इनसे लेकर इनको दिया जाता है, इसी के खर्च में जो है हॉस्पिटल को इतना खर्च आता है, क्योंकि ये छोटा भाई जो है बड़े भाई की मदद कर रहा है। तो हमारा और आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप लोग भी जो है इसमें भरपूर ताउन करें, इनके साथ दें और एक बच्चे की जान बचाने में आप मदद कीजिए। मेरा नाम फरीदा है, मैं मोहम्मद जैद की माँ हूँ। मेरे बच्चे को एक बहुत रेयर बीमारी है जो बहुत लाखों बच्चों में से एक बच्चे को ऐसी बीमारी होती है। इसका इलाज सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और इसका डोनर मेरा छोटा बच्चा है। इसका खर्च भी बहुत है जिसे हम नहीं भर सकते। हम बहुत गरीब फैमिली से हैं हम, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे बच्चे के वास्ते आपसे मदद करो। हमारे पास अब कुछ पैसे हैं, 8,00,000 रुपए और भी चाहिए। हम किसी से कभी मदद नहीं पूछे हैं, मेरे बच्चे की जान बचाने के वास्ते आज मैं पूछ रही हूँ। प्लीज मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आप सब मदद कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, मेरे बच्चे की जान बचाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इरशाद है, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। ये मेरा बच्चा है मोहम्मद जैद, ये तकरीबन 1-4 साल का है। इसे 1 साल का था जब से एक बीमारी है इवान सिंड्रोम बोल के, उसे फाइनल डिसीज आको, इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना को डॉक्टर्स बोलते हैं। उसका खर्चा आको 22 लाख का है, हमें एक 8,00,000 रुपये तक जमा को ही। अब सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बच्चे की जान बचाने के लिए डोनेट किए। क्या है बेटा तुम्हारा नाम? मोहम्मद जैद। क्या पढ़ रहे हैं? क्या यू के जी कौन सी स्कूल में? जीना स्कूल में। मैं तब से जो बात कर रहा था मोहम्मद जैद की, जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो बीमारी है, एक डिजीज है, तो उसके लिए तकरीबन 21,70,000 रुपया जो खर्च आ रहा है, इनके पास, इनके माँ बाप के पास जो है 8,00,000 रुपया अभी फ़िलहाल हैं। तो बाकी की रकम जो है, आप जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि इन्होंने जो नंबर कहा है, यानी कि इनके माँ ने जो नंबर कहा है, उस नंबर पर आप फ़ोन कर जाकर, या आप वहाँ पर विजिट कर भी दे सकते हैं, या कोई हॉस्पिटल में आप जाकर वहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों की मदद कीजिए। ये छोटे से नन्ही सी जान के वास्ते आप अपना 1 रुपया भी अगर खर्च करेंगे तो इसका अजर आपको ऊपर ज़रूर मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे की मदद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी साहिब हैसियत हैं वो लोग देखकर इस बच्चे की जान बचाने में वो भरपूर मदद करें।